13 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। रात 1:34 तक इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रहेगा सुबह 10:43 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। शिवयोग दोपहर 12:34 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज कालाष्टमी है। आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 से 3 तक, गुलिक काल सुबह 9:10 से सुबह 10:46 तक। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों के राशिफल की। सबसे पहले बात मेष राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपकी राशि में बुध ग्रह राहु के साथ है, आपके खर्च के स्थान में बृहस्पति सूर्य के साथ है, आपके धन के स्थान में स्वगृही शुक्र है। स्वगृही शुक्र का होना ही काफ़ी और पर्याप्त है। आज आमदनी बढ़ने का योग बना हुआ है। कारोबार में किसी दोस्त का आपको सहयोग मिल सकता है। आज आपके माँ की सेहत इसलिए बिगड़ सकती है कि चंद्रमा की स्थिति आपके मातृभाव से रोग स्थान में है और कोई अनजाना डर आपको सता सकता है। बेवजह के विवादों में ना फंसें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि का ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में स्वगृही शुक्र तो बैठा हुआ है जो धन लाभ कराएगा, लेकिन राहु भी व्यय भाव में है, वो खर्च भी कराएगा, तो धन लाभ भी होगा लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपके दशम भाव में मूल त्रिकोण का शनि है, इसलिए अपने सीनियर से बहस न करिए, काम का वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, लेकिन अब ये चंद्रमा की जो स्थिति है आपके राशि से अष्टम भाव में, इससे ये कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपका मन अशांत हो सकता है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। अपने बाणी पर आपको संयम रखना चाहिए। कौओं को तेल लगी रोटी खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में मंगल ग्रह विराजमान है, व्यय भाव में स्वगृही शुक्र है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि धन भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में विराजमान है, तो धन की स्थिति सामान्य रहेगी, बहुत ना अच्छा है ना बहुत खराब है। नौकरी में इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, तनख्वाह तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन और काम आपके जिम्मे बढ़ जाएगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। मन शांत रहेगा, लेकिन बाहर का खाना आपको नहीं खाना चाहिए। किसी से जलन मत रखिए, किसी से द्वेष मत करिए, इन सब चीज़ों से अपना बचाव करिए। एक कपड़े में काले और सफ़ेद तिल बांधकर अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय माँ विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, तो कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए ऐसा है, आपकी कर्क राशि है तो आपके सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम भाव में शनि है, भाग्य स्थान में बृहस्पति स्वगृही है, धन भाव का स्वामी सूर्य बृहस्पति के साथ है। ऐसे में मैं कह सकता हूं धन कमाने का अवसर तो मिल सकता है, लेकिन काम में बहुत ज्यादा हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आज आपको मिल सकता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आज आपका प्रभावित हो सकता है, बेवजह के गुस्से और विवाद से आपको बचना चाहिए। आज हो सके तो सोने का कोई आभूषण आप धारण करें। शुभंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बारी है सिंह राशि वालों की, जान लेते हैं आज इनका राशिफल कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन। देखिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन घर के कार्यों पर खर्चा भी बढ़ेगा, दोस्तों की मदद से कोई नई नौकरी मिल सकती है, काम में भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज दूसरे की गाड़ी भूल करके भी चलाने की कोशिश मत करिएगा, लक्ष्मी चालीसा या दुर्गा चालीसा पढ़िएगा। शुभंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों ने अब तक बहुत इंतजार किया, अब बात कर लेते हैं उन्हीं के राशिफल की, तो कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति इनकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए कन्या राशि से चतुर्थ भाव में इस समय चंद्रमा और दशम भाव में मंगल है, अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में शुक्र की स्थिति है और संतान भाव का स्वामी शनि छठे भाव में है। बच्चों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, नौकरी में तरक्की मिलने का योग है, परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, अपने पेट से संबंधित रोग का ध्यान रखें, जरूरत से ज़्यादा भावुक न हों, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। शुभंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कन्या राशि के बाद बात कर लेते हैं तुला राशि की, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके तृतीय भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में मूल त्रिकोण का शनि है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपका धनेश मंगल बनता है, घर के बड़े बुजुर्गों से आपको दौलत मिल सकती है, पैसा मिल सकता है और नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, गाड़ी संभल कर चलाना चाहिए, आज यात्रा टालना ही आपके लिए बेहतर होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की, तो कैसा रहेगा आज का पूरा दिन इनका, आइए जान लेते हैं। चलिए तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में चंद्रमा और आपके व्यय भाव में केतु और आपके आय भाव का स्वामी बुध अपने भाव से अष्टम में, नई आर्थिक योजना आप बनाएंगे लेकिन नया काम आज आपको शुरू नहीं करना चाहिए और आज किसी अजनबी व्यक्ति से आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि आज आपकी हेल्थ इश्यू हो सकती है, दोपहर के बाद तबीयत बिगड़ सकती है।
माता पिता से बहस नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल में अपनी छाया देख करके सरसों का तेल किसी पात्र को ध्यान दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आज आपका ग्रह गोचर ये कह रहा है कि आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान है और आपके तृतीय भाव में मूल त्रिकोण का शनि है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य है, पंचम भाव में बुध के साथ राहु है। कुल मिलाकर के आज शॉपिंग पर आपका पैसा ढेर सारा खर्च हो सकता है। नौकरी में सीनियर्स के साथ मतभेद होने की स्थिति बनी हुई है, कोशिश करिए कि मतभेद ना हो। आज दोस्तों का सहयोग आपको मिलेगा और पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए धनु राशि अगर आपकी है तो आज आपको बेवजह गुस्सा भी आ सकता है, इसलिए कोशिश करिए जब गुस्सा आए तो बात को टाल दीजिए। सुगंधित ताजे फूल अपने घर में रखिए, फूलों का गुलदस्ता अपने घर में रखिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है मकर राशि वालों की, तो जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा, आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहे। मकर राशि से धन भाव में मूल त्रिकोण का शनि, पराक्रम के स्थान में बृहस्पति के साथ सूर्य, सुख के स्थान में बुध और राहु। आज क्रिएटिविटी से आप पैसा कमाएंगे। नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है, परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। बातचीत करके किसी समस्या का आप हल निकाल सकते हैं, लेकिन संयम रखिए। पेड़ पौधों को पानी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। आपके राशि में मूल त्रिकोण का शनि है, आपके धन भाव में स्वगृही बृहस्पति है, तो जाहिर सी बात है कि धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है। जहां से थोड़ी भी संभावना है वहां से ज्यादा लाभ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके दशम भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, कारोबार में परेशानी आ सकती है। पारिवारिक वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी, ये बड़ी अच्छी बात है। आज संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जिद्दीपन की वजह से नुकसान हो सकता है। आज जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आपके राशि में स्वगृही बृहस्पति है सूर्य के साथ, आपके धन भाव में बुध राहु के साथ है, आपके पराक्रम भाव में शुक्र स्वगृही है और आपके सुख भाव में मंगल है, तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप संपादक हैं, यदि आप राइटर हैं, तो लेखन के कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई रिश्तेदार घर आ सकता है, शुगर रोगी अपना ध्यान रखें, आज किसी दूसरों के काम में रुकावट ना डालें। किसी भी तरह का कोई भी नशा आज आपको भूल करके भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी।